वेलकम गाइस, आज हमारे पास आई थी XUV700 जिसके हेड को हमने यहाँ पर पूरा ही ओपन कर दिया। ये गाड़ी आई थी कुछ अलग ही कंसर्न के लिए जिसके बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा। हम यहाँ पर अभी इसका मिनी फोल्ड खोल के हेड चेक करें। यहाँ पर इसका एक नंबर हेड आप देख सकते हैं कि अंदर से पूरा लीकेज हो चुका है। एक नंबर में तो उतना आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये एक नंबर में कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल सा है, बट ये भी नहीं होना चाहिए, ये एकदम ड्राई होना चाहिए क्योंकि यहाँ से एयर जो है वो पास होती है और जो गैस होती है वो भी पास होती है। इसमें दो होते हैं इनलेट और आउटलेट वॉल्व होते हैं। देखिए ये दो नंबर वॉल्व जो है इनलेट मैनिफोल्ड का, इसके अंदर पहला नंबर जो है वो ड्राई है और सेकंड नंबर में देखिए यहाँ पर ऑयल आ चुका है। ऑयल आने का मतलब है आपकी गाड़ी मॉर्निंग टाइम में स्टार्टिंग ट्रबल देगी, मीटिंग करेगी, हंटिंग होगा गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर हम सीधा पहुँच जाते हैं चार नंबर में। चार नंबर में देखिए इनलेट और आउटलेट दोनों ही वॉल्व जो है लीकेज है और यहाँ पर ऑयल आ चुका है। तो यहाँ पर ऑयल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए ऑयल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चार नंबर का है इस उंगली पे। अब तीन नंबर का मैं दिखा देता हूँ आपको दूसरी उंगली पे, देखिए यहाँ पर भी ऑयल है। और दो नंबर में देखिएगा ये तीसरी उंगली पे मैंने निकाल लिया, ये भी देखिए यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ही ऑयल है। और एक नंबर में देख लेते हैं, इसमें बहुत माइनर सा ऑयल है, देखिए इसमें हल्का सा है बट वो भी काफ़ी है गाड़ी में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। दोस्तों जानकारी कैसी लगी आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर